इससे पहले भी सरकार के द्वारा, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ था, इसका दूसरा फेज चल रहा है। आप पहले फेज का अगर मूल्यांकन करेंगे कि उस फेज में क्या हुआ, तो लोगों ने जो उसका फीडबैक आया है हम वो बताना चाहते हैं। इस दौरान पदाधिकारी एक पिकनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको कि चलो भाई आज फलाना प्रखंड में है, वहां बकायदे खान पान होगा, ऑन द स्पॉट जो काम होना चाहिए या जो दिखना चाहिए। आज भी किसी भी पब्लिक से पूछेगा तो आवेदन दिए थे, आज तक निष्पादन भी नहीं हुआ। सरकार का मंशा क्या है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो दिखाई पड़ता है हमको लगता है एक तरह से खानापूर्ति ही होता है। लेकिन सरकार के आंकड़े तो बताते हैं लगभग 36 लाख के आसपास पिछली बार आवेदन पड़े थे और 95% के आसपास उनका निष्पादन भी हुआ। ये सरकार के आंकड़े हैं, इसको परसेंट में बताया है लोग, इतना आवेदन आया इसका आंकड़ा तो प्राप्त हुआ, लेकिन निष्पादन को परसेंट में बताया, कितना निष्पादित हुआ वो परसेंट में तो ऐसे भी फेंका फेंकी नहीं है। हम जो आप खुद आप इस कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर लोग आवेदन लेकर के आते हैं। पिछले बार जो आवेदन दिए थे उसमें कई एक लोग रिपीट करेंगे, इस बार देखिएगा। जब पिछली बार द्वार में आए थे तो एक आवेदन दिए थे, इस बार फिर द्वार में आए तो फिर आवेदन दिए, तो ये एक चलता है। कुल मिला के हम कहेंगे सरकार का आयना तो प्रखंड ही है ना, सबसे निचला यूनिट प्रशासनिक यूनिट प्रखंड होता है। प्रखंड में चक्कर ना लगाना पड़े, लोगों को परेशानी ना हो, त्वरित गति से निष्पादन हो, लाभुक को उसका मिलना चाहिए लाभ, यही मकसद है। लेकिन आप जाके गांव में पूछेंगे बिना मूल्य अदा किए दे, बिना सुविधा शुल्क दिए कोई फाइल आगे बढ़ती नहीं। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि सर, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।